कानलिया आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और जैसा कि कानलिया आवाज डिजिटल की शुरुआत के साथ ही हमने हमारे तमाम दर्शकों को बताया था कि प्रतिभाओं को दिखाने का काम कानलिया आवाज डिजिटल पर लगातार किया जाएगा और इसी क्रम में आज हमारे साथ में हाल ही में रिजल्ट घोषित हुए हैं और इसी क्रम में हमारे साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाड़ की बालिका रेणुका सुतार हमारे साथ है। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई कर और जिले की मेरिट में 91% हासिल किए हैं, तो किस तरह से इनकी मेहनत रही और क्या कुछ इनके अंदर जज्बा था, आगे क्या करना चाहती है और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है और लोगों के लिए क्या मैसेज है, विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज है और किस तरह से ये अपनी प्रतिभा के माध्यम से आज आगे बढ़ी है, तो हम बात कर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रेणुका सुतार है, मेरे पापा का नाम अशोक सुतार है और मैं बसाड़ की रहने वाली हूँ। मैंने वहाँ सरकारी स्कूल से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसाड़ से पास की और मैंने सोचा था कि 90+ तो लाने ही है, तो ऐसे ही अच्छा हुआ 90+ आ गए और बहुत सारा मुसीबतें आई और उनका मैंने सामना किया। 90+ तो इन्होंने 91% हासिल किए हैं और जैसा कि इन्होंने बताया है कि कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपने जो पढ़ाई का लक्ष्य था उसको जारी रखा और आज परिणाम आपके सामने है, इन्होंने 91% हासिल किए हैं। हमारा सवाल है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मोबाइल का शोर है, सभी लोग मोबाइल के पीछे सारे विद्यार्थी हम देखते हैं, किस तरह से आपने पढ़ाई करी है और क्या आप मोबाइल का उपयोग करती है और उपयोग करती है तो उसका किस तरीके से उपयोग करती है और ताकि आप बताएं ताकि और भी विद्यार्थियों को इससे शिक्षा मिले। हाँ, मैंने मोबाइल का उपयोग किया, उससे मिशन ज्ञान चलता था, उससे सारे वीडियो देखती थी, जो समझ नहीं आता था उसे देखती थी, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं तो वह मोबाइल का उपयोग भी किया है। तो जैसे कि सोशल मीडिया के लिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग का जमाना है, परंतु यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो परिणाम कुछ अलग ही होते हैं और जो परिणाम है वो आपके सामने है। हमारा अगला सवाल है कि इस मेहनत के पीछे क्या कुछ रहा और किस तरह से आपके गुरुजनों का सहयोग रहा, किस तरह से आपके माता पिता ने आपको मोटिवेट किया? गुरुजनों ने तो किया, उनका तो बस सोचना था कि अच्छे नंबर लाने, तो वह अच्छा पढ़ाया, हमने भी किया, मैडम का सोचना था कि करोगे तो अच्छा आगे बढ़ोगे तो वह कर लिया, मम्मी पापा ने भी साथ दिया। तो गुरुजनों के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से इन्होंने 91% हासिल किए हैं। हमारे दर्शकों के लिए और खासतौर पर हम विद्यार्थियों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्रतिभाएं लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बस आपकी प्रतिभाओं को आप निखारें और लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हमारा सवाल है कि 91% हासिल करने के बाद में अब आगे आपका क्या लक्ष्य है और किस तरह से आप आगे किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी? आगे IAS और IPS की UPSC की तैयारी करनी है। तो प्रशासनिक सेवा में जाने का इनका लक्ष्य है और UPSC की परीक्षा भी तैयारी करने का इनका लक्ष्य है, तो आगे भी इन्हें इसी तरह सफलता मिलती रहे। कांटेल की आवाज डिजिटल के माध्यम से हम आपको 12th परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने पर और 91% हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम तमाम विद्यार्थियों और तमाम सभी हमारे दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार मेहनत और लगातार लक्ष्य को बनाकर और काम करना जरूरी होता है और उसके चलते हमें सफलता मिलती है। तो रेणुका सुतार एक मॉडल है जो कि आपके सामने है, आपके सामने आदर्श है, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी है और किस तरह से इन्होंने अपने प्रतिशत हासिल किए हैं, तो लगातार मेहनत करके और सही तरह से सफलता हासिल की जा सकती है। तो अंत में हम हमारे इस साक्षात्कार को खत्म करने की ओर हम आपके एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कुछ आने वाले विद्यार्थियों के लिए मैसेज है और किस तरह से लोगों को तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से प्रतिशत हासिल करने के लिए किस दिशा में काम करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में विद्यार्थियों के लिए आप बताएं। पढ़ना चाहिए, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं किया, पढ़ती थी रात भर, तो कुछ नहीं ज्यादा नहीं, पर पढ़ना चाहिए। मैडम ने कहा था 6-8 घंटे पढ़ो, थोड़ा काम तो करना ही है और फिर पढ़ा तो पढ़ लिया, उन्होंने कहा था कि पढ़ लेना तो पढ़ा है, बस सबको पढ़ना है, ये बात है। तो इनकी माने तो खाली पढ़े ही सफलता का मूल मंत्र है और पढ़ने वाला ही आगे बढ़ता है, तो जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूल में रहकर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है तो ये काबिले तारीफ है, जहाँ एक तरफ निजी विद्यालय द्वारा कई तरह की सुविधा दी जाती है, वहीं प्रतापगढ़ जिले में जहाँ सरकारी विद्यालयों में एक तरफ टीचरों का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने टीचरों के अभाव और जो संसाधन मिले उसमें भी काम करते हुए इन्होंने 91% हासिल किए हैं। कांटेल की आवाज डिजिटल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मैं हमारे तमाम दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ कि इन परीक्षा परिणामों में यदि आपको भी किसी अच्छे प्रतिशत हासिल हुए हैं और आप अपनी प्रतिभा अपने डिजिटल मंच के माध्यम से हमें जनता को दिखाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कांटेल की आवाज डिजिटल पर आपको भी दिखाया जाएगा। वहीं हमारे
तमाम विद्यार्थियों से एक अपील और करना चाहेंगे कि अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें, और यदि किसी को अपेक्षित सफलता भी हासिल नहीं हुई है तो निराश न हो, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें और लगातार मेहनत करते रहें और निरंतर सफलता मिलेगी, मेहनत जरूरी है। धन्यवाद देना चाहूंगी काठल की आवाज न्यूज चैनल वालों को जिन्होंने मुझे बुलाया और मेरे बात को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज राठौर, काठल की आवाज प्रतापगढ़।